Hey everyone, welcome back to my channel That Creative Couple. तो आज मैं ये इन सारे प्रोडक्ट्स के संग अपना मेकअप करूँगी, बहुत ही मिनिमल सा मेकअप करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो. हेलो, तो मेकअप करने के लिए आप सबसे पहले अपने हेयर्स को अच्छे से टाइटली टाई कर लीजिए. उसके बाद मैं ये निविया का लिप मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ अपने लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए. एंड आफ्टर दैट आई विल बी यूजिंग दिस पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइजर. ये आजकल मार्केट में बहुत न्यू है, सो आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई. एंड ये लगाने के बाद मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ एंड इट्स अ गुड. तो मैं मॉइस्चराइजर को अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ और नेक पे भी, क्योंकि आप अगर मॉइस्चराइजर फेस पर लगाएं तो नेक पर ज़रूर लगाएं. और अब मैं ये मेबेलिन फिट मी का 118 शेड यूज़ कर रही हूँ. और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि आप फाउंडेशन को अपने शेड के अकॉर्डिंग कैसे लें और कैसे यूज़ करें उसका वीडियो बनाइए. तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं कि अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कौन से शेड का फाउंडेशन यूज़ करें. तो मैं उसकी एक डिटेल्ड वीडियो और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दूँगी कि आप अपने फेस और अपने स्किन टोन के हिसाब से कौन सा फाउंडेशन यूज़ करें. तो अब मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ. जितने अच्छे से आप फाउंडेशन ब्लेंड करेंगे उतना ही फ्लॉलेस आपका मेकअप दिखेगा. और ये ध्यान रखिए कि आप नेक पे ज़रूर फाउंडेशन अप्लाई कीजिए, क्योंकि नेक और फेस अलग ना दिखे. ना आई एम यूजिंग दिस 9 to 5 कॉम्पैक्ट लैक्मे का, तो इससे जो आपका फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है फेस पे. आफ्टर दैट मैं ये हुडा ब्यूटी का क्या कहते हैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. मैंने एक लोकल शॉप से ख़रीदा था, उस टाइम मुझे कॉन्टोर का कोई आइडिया नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं है कितने प्राइस का, काफ़ी पहले मैंने यूज़ किया था. और ये जो आज मैं मेकअप में ये ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ, इसका भी मैं आपको अलग से एक पूरा वीडियो बताऊँगी. ये मैंने इकट्ठे ब्रशेज ख़रीदे थे, इसमें समथिंग 24 का पैक है, बहुत ही बढ़िया ब्रशेज हैं. और काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि कौन से ब्रश किस चीज़ के लिए होते हैं, किस चीज़ से ब्लेंडिंग की जाती है, कौन सा फाउंडेशन का ब्रश है, वो मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊँगी. और तो अब मैं अपना ये जॉ लाइन को भी कॉन्टोर करूँगी, इससे आपका फेस बहुत शार्प और स्लिम दिखता है. तो जिसको भी अगर डबल चिन की प्रॉब्लम है तो अच्छे से अगर आप कॉन्टोर करेंगे अपने जॉ लाइन को तो आपका फेस बहुत स्लिम दिखेगा. मुझे तो इतना डबल चिन नहीं है, स्टिल मैंने ट्राई किया है कॉन्टोर करने का, क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे तभी तो आप लोग सीखेंगे. एंड देन ये मैं मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. ये भी मेरा काफ़ी पुराना है, आपको देख के लग ही रहा होगा. और इसमें अपना ब्लश अप्लाई करूँगी, हल्का सा ब्लश मैंने नोज़ में भी अप्लाई किया है, उससे ना आपके फेस पे एक नेचुरल लुक आता है अगर आप नोज़ पे भी अप्लाई कर लेते हैं. एंड देन मैं ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ. हाइलाइटर मैं जनरली हाथ से ही लगाना प्रेफर करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे हाथ से लगाना अच्छा लगता है. और मैं इसको अपने चिन एरिया पे नोज़ पे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हाइलाइटर लगाना. और आईज़ के आईब्राउज के इनर कॉर्नर्स पे भी हम लोग ये लगाएंगे. और फिर मैं ये नॉर्मल जो ब्लश वाला ब्रश था ना, उसी से मैं उसको ऐसे दबा करके हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ. और ये मैंने अच्छे से हाइलाइटर अपने फेस पे लगा लिया है, इससे अलग ही शाइनिंग मिलेगी आपके फेस को. और नोज़ पे मुझे हल्का सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और प्रोडक्ट लिया और मैंने उसको अप्लाई कर लिया. और उसके बाद मैं ये वही स्विस ब्यूटी का आईब्राउ फिलिंग वाला यूज़ कर रही हूँ टू फिल माय आईब्राउज. तो आप लोगों को तो पता ही है मुझे आईब्राउज फिल करना बहुत पसंद है. और मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि निशी और प्राची मिलके मेरा कुछ किसी चीज़ पे मजाक उड़ा रहे थे, तो बस ये मैंने आईब्राउज अपने फिल किए अच्छे से. मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आईब्राउज को फिल करना मेकअप. अगर आप कुछ भी ना करें, आईब्राउज फिल कर लें, लिपस्टिक लगा लें, दैट्स इट, यू कैन गो एनी वेयर. बस मेरे आईब्रोज फिल हो गए. तो गाइज अब मैं यूज़ करूँगी ये अपने हुडा ब्यूटी का काजल, क्योंकि मैं स्मोकी आई इफेक्ट करना चाहती थी अपने आईज़ पे, तो मैंने हल्का हल्का सा काजल दोनों आईज़ में लगा लिया है. और फिर मैं ये क्या कहते हैं फाउंडेशन ब्रश से स्मज कर रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में मुझे आई शेडो वाला ब्रश मिल ही नहीं रहा था. उसके बाद मैं ये अपने फिंगर से स्मज करूँगी एंड देन मैं सेम मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से फिंगर की हेल्प से वो ब्लैक कलर अप्लाई करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट का.
क्योंकि मुझे बहुत मिनिमल मेकअप चाहिए था, तो मैंने बहुत ही थोड़े से क्वांटिटी में प्रोडक्ट लिया है और अपने हाथों से ही उसको स्मच कर लिया है। आफ्टर दैट आई विल बी यूजिंग द स्विस ब्यूटी का मस्कारा। ये बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा मस्कारा है, बहुत ही वॉल्यूमिनाइज कर देता है आपके आईलेसेस को। और इधर मैं निशी और प्राची से कुछ सामने बात कर रही हूँ इसलिए मैं हंस रही हूँ, वो लोग पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। मैं मस्कारा अपने लोअर आईलेसेस पे भी अप्लाई करूँगी थोड़ा नेचुरल लुक देने के लिए। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये मेरे शॉप के प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप वहाँ से लेना चाहें तो आपको 10-20% ऑफ में मिल जाएंगे। तो अब मैं ये लैक्मे 9 to 5 की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, इसका शेड नंबर तो मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। एंड आफ्टर दैट मैं ये दूसरी लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे गिफ्ट की थी तो मुझे इसका आइडिया नहीं है कितने की है कैसी है, बट इसका शेड बहुत ही प्यारा है। सो गाइज हियर इट इज़ माई फाइनल लुक। तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए आपको मेरा लुक कैसा लगा और मैं आपको कैसी लगी। बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट से मैंने ये मेकअप किया है, बहुत ही आसान मेकअप था, जस्ट इन 5 to 8 मिनट्स। सो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट क्रिएटिव कपल। बाय बाय, टेक केयर।